कितना खतरनाक रिएक्शन होने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं सच चुपी के व्लॉग। आज सुबह सुबह इतनी जल्दी व्लॉग स्टार्ट करने का कारण ये है कि हम जा रहे हैं शाकंभरी देवी घूमने के लिए। मैं ना भाई इनके लिए भी उठाऊं इतनी जल्दी सुबह सुबह। मैं कल लोगों हाँ जी क्या कह दिया, सॉरी गाइस जा रही है तो गड़बड़ होगी। मैंने घूमने कह दिया, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गाइस पापा भी नहा रहे हैं सुबह सुबह 6 बजे। अभी चलो इन्हें घुमाने के लिए चलता हूँ। गिरी लोगों का गलापू पे झटके मार दिए। अरे गलापू पड़ेगी किसके। मुझे तो ऐसा लगा है पिकू के खाने पीने का रास्ता तो साइड से जाया करेगा। हो गया दिमाग सही कर दिया। स्पेशल मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना स्टार्ट इसलिए भी कर दिया है कि मैं ना कल्लो को आदत डालने वाला हूँ कि ये बाहर पोटी करे, लेकिन ये तो इतनी खतरनाक है घर पे पोटी करता है। इतनी उतावली है घूमने के लिए, अपनी चैन पकड़ के पहले ही रेडी हो रही कि चलो जल्दी। ए कल्लो कल्लो बाहर आ जा, निकल गए पट्टा पहन ले। पीकू भी रेडी हो गए, भी कह रहा कि चलो यार जल्दी, समझ रहे हो। पापा पीकू को सुबह सुबह घुमा के लिए आए इसलिए पीकू को नहीं ले जा रहा मैं। कल्लो तू चलेगी अब, इसमें क्यों ग्रिप लगा रही, लोहे की है, दांत वात सारे निकल जाएंगे बाहर। लगा ले लगा ले ले गाय, ये देख लो लोहे की चैन में भी ग्रिप लगा दी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं सुबह जल्दी उठ गया, बेटा भी सुबह जल्दी उठ गया। बाप बेटे के बीच में कितना गहरा प्यार है। गाइस आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे खुला लेके चलू, जैसे पीकू को आदत है ना ऐसे इसे भी आदत डालनी है। चैन मेरे हाथ में है, पट्टा इसके गले में है, जब भी कोई दिक्कत हुई तुरंत डाल दूंगा। चलते रहे। अब ओए घर में नहीं घूमना जाना किसी के। गाइस घर में झांकने की आदत बहुत बुरी है इसकी। ए सीधी चल, टाइम देना पड़ेगा इसे बहुत ज्यादा, अब जाके सीखेगी ये सारी चीज। ए इधर आ। गाइस बहुत जल्द अल्फा आने वाला है भाई, मेरे को तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है तुम सोच नहीं सकते भाई। मेरे दिल में तो बार बार धक धक होती रहे कब आएगा अल्फा, तुम्हारे भी हो रही क्या बताना जरूर। नहीं 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 कल्लो लट मत पड़िए, इसकी क्या लट मत पड़िए कल्लो, नहीं 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 कल्लो नहीं भाई नहीं नहीं भाई। ये भी देखो भाई, कल्लो ने बड़े डॉग के ऊपर भी अटैक कर दिया था यार। यार ये तो गलत सीन है भाई, ये तो भाई सीधा अटैक ही मारा करेगी डॉग के ऊपर, तो डॉग से तो नफरत है भाई से। भाई जब सामने से एक डॉग हो रहा तो पहले ही से बांध लो भाई। जब कल्लो और अल्फा दोनों मिलकर आ करेंगे ना, तब भाई कोई भी इनका सामना नहीं कर सकता, किसी को भी उड़ा देंगे ये, चाहे कोई कितना भी खतरनाक डॉग हो। क्योंकि अभी से मैंने इनका हाल देख लिया है, कल्लो तो इतनी ज्यादा खतरनाक है सीधा अटैक करने के लिए चल पड़ी थी, और अगर इसके साथ अल्फा भी आया करेगा ना तब तो भाई ये आग ही लगा देंगे। इन लोगों की मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। इधर ये देख लो ताऊ कितनी मेहनत कर रहा। इस ड्रम की भी एक कहानी है, इसमें तारकूल रखा रहे ना, इस तारकूल के ड्रम में हम पूरे के पूरे कूद गए थे भाई साहब। इतने दिन तक नाना पड़ा था, तारकूल ना उतरा था शरीर, पता है किस किस के साथ हुआ है। क्योंकि पहले शोक रह कर था, तारकूल घर ले जाने का काम कुछ नहीं होता, लेकिन तारकूल घर ले जाना था। अब तो सुबह सुबह रेडी हो गया, हुक्का पीने लग रहे हैं। देख लो भाई चमकदार कुर्ता पहन लिया लाइन वाला, क्या कर रहे होंगे पापा। गाइस मेरा चाचा भी इतना बड़ा कंप्यूटर है, गर्म बनियान के ऊपर ठंडा बनियान पहन लिया। आज पूरा दिन मैं घर पे नहीं रहने वाला हूँ, तो अभी खाना दाना इन्हें जल्दी से रख देता हूँ, पानी वानी बिल्कुल भर के रख दूंगा। और यार मैंने जो जुगाड़ करना था ना भाई, मेरे को उस टाइप का पत्थर नहीं मिल रहा, ढूंढ रहा मैं भी यार, मैं भी परेशान हूँ। माय गॉड गाइस, पत्थर के डले लेके आ जाऊं, मस्त जोक मारा रे। कल्लो इन्हें ऐसे देखा है जैसे कि पता नहीं क्या कर सके इनके ऊपर। गाइस एक चीज करने में ना सबसे ज्यादा मजा आया, बताऊं क्या, अब मैं इसमें फूंक मारूंगा देखो कुकर उड़ेंगे। इनका दाना पानी रख दिया है, इनका भी दाना पानी रख दिया है, अब शाम तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दाना भी थोड़ा ज्यादा रख दिया। अब पानी तो यार ये जल्दी खत्म कर दे, इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस कभी कभी तो मैं कल्लो और पीकू से ऐसा बात करूँ जैसे कि ये भी इंसान नहीं हो। चाचा को शर्म आ गई, ऊपर अपर पहन लिया। अच्छा ठीक है, नहाने से पहले कल्लो और पीकू को भी खाना रेडी करता हूँ। या चिड़ियों के घर में कोई भी जुगाड़ नहीं करता हूँ, क्योंकि आज जुगाड़ करूंगा ना तो आज मैं यहाँ होने का नहीं, तो इस वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सका है, तो आज का जुगाड़ भी कैंसिल करते हैं। जब मैं यहीं रहूंगा ना तब करूंगा जुगाड़, क्योंकि वो जुगाड़ ना मेरे सामने सक्सेस होगा या फेल होगा ये भी पता लगना जरूरी है ना। गाइस अभी दोनों पापा पोताओं का स्टाइल देखो, पापा भी पीछे हाथ बांध रहे, व्यू भी पीछे, जल्दी बोल व्यू भी पीछे हाथ बांध रहा, पूरा हल्ला हो गया यार। तो पापा ने करी तेरी रस रवि साल, पापा ने तो भाई गाड़ी पे पोछा भी मार दिया। पापा ऐसा क्यों करा आज लोग का इस पर दफ्तर फेर के देख क्या था। नहीं पापा एक बात कहूंगे, कोशिश तो करूं, कुछ नहीं करता तू। गाय के ऊपर कल्लो क्यों भोग रही, कल्लो अकेली रह गई इसलिए भोगना स्टार्ट कर दिया इसने, कोई नहीं है ना इसके पास, भोगना शुरू कर दिया। आज तो यार इन्हें दोनों को रहना पड़ेगा यहाँ, कैसे रहेगी घर में, सबके सब जा रहे हैं ना, ये देख लो दोनों के दोनों कैसे बैठ गए, इन्हें पता लग गया कि हम जाने वाले हैं। पीकू को देख लो कैसा हो गया यार, जाना तो पड़ेगा यार, आ जाएगी शाम तक कोई दिक्कत ना। गाइस दुखी सा हो गया पीकू तो, आने के तो नहीं है। गाइस गाड़ी अभी छुट्टी है, जब गाड़ी बड़ी आ जाओगी ना तभी इन्हें भी ले चला करूंगा।
क्योंकि खुशी देख लो कितनी ज्यादा है। जल्दी 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 यो भाई साहब बीबू भी आ गए नीचे, कल लो ऊपर ही है, पता नहीं यार उसका मन लगेगा नहीं लगेगा, आज पहली बार उसे छोड़ के जा रहे हैं। बाबा पंडित से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, अब तो लेट था मैंने करा, चले इन्हें यही छोड़ दे, प्राण दे इन्हें भी यार, इनका क्या करेंगे वहाँ। ओ भाई तू फालतू ना बोल ले। गाय जब पीकू भी आ गया मेरा शीशे पीछे तो इधर गयु, क्या बोला तूने? पापा शीशे तो नीचे है। आज पीकू तो इतना डर लगा है क्योंकि पीकू ना इतना वजनदार है, हैवी है, भारी है, तो सब ड्रेस्ड है, लेकिन ये इतना सुद्धा है कि ये कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करता, खिड़की खुलने का इंतजार कर रहा, तुरंत अंदर जाएगा। गाय जब पीकू को देख लो कैसे एक्साइटेड है, वो घुस गया घुस गया, पीकू खिड़की के दौरे खड़ा कि एक बार खिड़की खोल लो सीधा अंदर। ले पापा बोलो जय शंकर भगवान की, जय माता रानी की, जय शंकर माता के दरबार में सबकी जय। लग रहा तू भी कुछ फालतू ही बोल रहे हैं। बजरंग बली की जय। भाई मैं तो सोच रहा था कि मैप लगा लूं क्योंकि पहली बार ना बिचड़ गए थे, बट मुझे ऐसा लगा कि पापा ही हमारा मैप है। पापा इस धरती का कोई कोना बच रहा नहीं, मैं इतना ना घूमे चल, तो फिर तो मैं राह कुकर पता कंडक्टर थे हम। चलो गाइस चल के मिलते हैं। गाइस मंदिर के पास तो पहुंच गए हैं, बट भीड़ देखो भाई कितनी खतरनाक लगी हुई है, पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, मंदिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है बस। गाइज अभी शाम के 6:19 हो गए हैं, माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं। पापा ने तो दर्शन करे नहीं, पापा तो बाहर ही खड़े हुए थे और भाई भी चढ़ गए थे, पापा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। पापा कहाँ चले थे तुम? चक्कर मारे दौड़ते दौड़ लो। गाइज आज इतनी ज्यादा भीड़ थी लेकिन हमने ना भाई थोड़ा सा जल्दी कर लिया दर्शन, अगर हम हाँ व्यू भी बता रहा कि हमने जल्दी कर लिए, अगर हम भाई दर्शन जल्दी ना कर पाते ना तो मुझे लगा भाई रात के 12-1 बजे तक दर्शन हो सकता था। और अभी सब भंडारा खा रहे हैं, मैंने तो कड़ी चावल पेल दिए। टाइम 10:16 हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कल्लो भी पीकू भी, गाइस अभी रिएक्शन देखेंगे भाई इनका कितना खतरनाक रिएक्शन होने वाला है। रिएक्शन तो वैसे अभी भी दिख रहा होगा तुम्हें कितनी एक्साइटेड हो रही, कल्लो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही यार, देख लो। ओए ओए ओ भागे गाड़ी के नीचे ना जाइए, पकड़ इसे पकड़। ओए 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 गाइस आ गई, तो ये सही करा कल्लो को गोदी में ले लिया क्योंकि कल्लो ना छोटी बच्ची है, समझदार नहीं है इतनी जितना पीकू है। पीकू को तो सारा पता कि टायर के नीचे आता ही टांग टूट जाएगी। ओए 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 कल्लो, ओए 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 कल्लो, बस 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 बस। गाइज इनकी समझ में नहीं आ रहा कि जाना किसके पास है क्योंकि सभी इनसे दूर थे आज पूरा दिन। 10:30 हैं, पापा को देख लो होकर सिलकाने के लिए आग सिलका दी। गाइज आज के व्लॉग अपने यहीं पे एंड करते हैं, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय टाटा।